गाइज अगर आप भी सिर्फ एक महीने में अपनी ब्रेस्ट को टोन करना चाहते हैं, अपने ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने ब्रेस्ट को फॉर्म करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरी एक्सरसाइज जरूर फॉलो करिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। देखिए हम जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं या फिर जब हम 15-16 क्रॉस करते हैं तो हमारे अंदर एक शाइनेस आने लगती है, क्योंकि हमारा फिजिक तो बढ़ता है लेकिन एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती हमारे ब्रेस्ट की। तो जब भी हम किसी को फेस करते हैं या अपनी कोई फ्रेंड को देखते हैं और उसका जो फिजिक बहुत अच्छा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। कोई भी ड्रेसेस जो होती है हम पे सूट नहीं करती, बहुत फ्लैटन लुक आता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। जब ब्रेस्ट ज़्यादा होती है तो भी बुरी लगती है, लेकिन अगर कम होती है तो भी हमें बहुत ज़्यादा खराब फील होता है। तो खराब फील होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस पार्ट पे काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, वहाँ की मसल ग्रोथ करना बंद कर देती है। तो आज का मेरा ये वीडियो, अगर आप मदर भी हैं और आपकी कोई छोटी बच्ची है या कोई कजन है तो अगर वो 12 साल की हो चुकी है तो आज से ही उसको ये ब्रेस्ट एक्सरसाइजेस करवाएं, ताकि उसको फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे। क्योंकि बचपन से जब हम अपने बॉडी पार्ट पे वर्क करते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो बहुत फर्म होती है। या फिर अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आपकी ब्रेस्ट बहुत सैग कर गई है तो भी आप उसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपके ऊपर बेहतरीन रिजल्ट आए प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करना कमेंट के थ्रू, क्योंकि आपका एक कमेंट पढ़ के बहुत लोगों को हेल्प मिल जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इतना सारा जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज ब्रेस्ट की आपने क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से लॉक करना है, ऊपर लेके जाना है, ठीक है। सांस खींचते ऊपर लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। जब आप ऊपर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से, जब स्ट्रेच करेंगे तो आप नोटिस करें कि मेरा जो ब्रेस्ट है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब लिफ्ट होगा तो उसकी सैगिनेस खत्म होगी, आपकी बॉडी की शेप बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा, फर्म होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 10 टाइम्स करना है और 10 के आपको करने हैं कम से कम 5 सेट, मिनिमम बोले हैं तो मैक्सिमम जितने मर्जी कर सकते हैं। रिलैक्स, रेस्ट लीजिए, देन दोबारा से इसको कंटिन्यू करिए सेट्स में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से हैंड ज्वाइन करना है, आगे लेके जाना है, देन बैक। आप देख रहे हैं जब मैं बैक लेके जा रही हूँ तो मेरे शोल्डर पीछे जा रहे हैं, चेस्ट को मैं आगे स्ट्रेच कर रही हूँ, पूरा स्ट्रेच दे रही हूँ पीछे की टाइम अपने हैंड्स को। तो जितना आप अपने ब्रेस्ट को मूवमेंट देंगे, इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, तभी उसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा और सैगिनेस खत्म होगी, आपकी ब्रेस्ट फॉर्म होगी, एक अच्छी शेप मिलेगी। 10 टाइम्स करें इसको और इसके 5 सेट्स। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपने हैंड करने हैं, जॉइंट देन ओपन। ओपन करने के टाइम जब आप पीछे लेके जाते हैं तो आपका पूरा ब्रेस्ट पीछे की तरफ खिंचता है, ठीक है। एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से करना है, पूरा बैक देन रिलीज, सांस खींचते हुए पीछे होल्ड करिए देन रिलीज करिए।
आपको करने हैं 10 रैप्स और कम से कम इसके करने हैं आपको 5 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें अपने हैंड्स को पूरा ऐसे करना है। देख रहे हैं, जब मैं ऐसे करती हूँ तो पूरा ब्रेस्ट आपस में जॉइंट हो रहा है मेरे, और उसके बाद उसको ऐसे ओपन करना है, ठीक है। आपको 10 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपको 5 सेट, ठीक है। और अब लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि पुशअप्स, अगर आप पुशअप्स नी के थ्रू कर सकते हैं, फुल पुशअप्स कर सकते हैं, तो उतना ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि जब आप पुशअप्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेस्ट जो है लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, टोन होती है, और आपकी ब्रेस्ट को एक फुलर शेप मिलता है।